हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में एनिमेशंस की स्पीड है, तो एनिमेशन स्पीड को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन में, और आप कैसे फ़ोन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि एनिमेशन स्पीड को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, श्योर हैं, तो सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, जिस पे जाकर आप एनिमेशन की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड आप फ़ोन की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एनिमेशन स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शंस आ रहे हैं आपके फ़ोन में, अबाउट फ़ोन, तो अबाउट फ़ोन पे जाना है। अबाउट फ़ोन पे जाते हैं तो आपको स्लाइड करते ही डिटेल स्पेसिफिकेशन सेटिंग्स पे जाना है, जिसको टैप करना है, जिससे डेवलपर ऑप्शन से हमारी फ़ोन्स की एडिशनल सेटिंग्स में ओपन हो जाएगा, जिसके जरिए एनिमेशंस की स्पीड को इनक्रेज कर सकते हैं। स्लाइड करके डेवलपर ऑप्शंस पे चले जाना है, फिर इस पर स्लाइड करके स्केल सेटिंग्स पे चले जाना है। तो आपके पास यहाँ पर एनिमेशन स्केल ऑप्शंस आता है, जिसके जरिए स्केल्स को ऑफ करके एनिमेशंस की स्पीड को इनक्रेज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्केल्स को ऑफ कर देना है, और इसके बाद आपके पास बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का ऑप्शन आता है, जिसको लिमिट को ऑफ करते ही आपके एनिमेशंस की स्पीड आपके फ़ोन में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से भी एनिमेशंस की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने रेडमी नोट 13 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए।